के लिए कोई रेमेडी नहीं है, उनके पास कोई फॉरेंसिक जज सेंस नहीं होती इनके। तो ये जो क्राइम है इस वक्त जो गोवा में हुआ है वो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है, और कानून में भी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी इज वन ऑफ द सीरियस, मोर सीरियस क्राइम। और जो पीछे जो लॉ बनाया गया, कानून जो बनता है जिसको कहते हैं अंग्रेजी में नी जर्क रिएक्शन, एक घटना होती है 16 दिसंबर की घटना हुई, उसके बाद जो 4 साल से कानून पड़ा हुआ था संशोधन विधेयक वो पारित हो जाता है, बात है पहले होना और उसमें आपने बलात्कार की परिभाषा को विस्तारित कर दिया। सुधांशु जी, वो हंगामा मचा ही इसीलिए था कि एक और एंटी मेल लॉ हिंदुस्तान में आ सके और उसका इस तरह से प्रयोग किया जा सके। इनकी जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए बनती है तरुण जी की और शोमा जी की। सुधांशु जी, कानून है इवॉल्व होता है, पहले भी सजा सख्त थी रेप के लिए, जो गैंगरेप पहले भी क्रिमिनल प्रोसीजर, अब रेप की डेफिनेशन और स्ट्रिक्ट कर दी गई है, हम जो है ना और स्ट्रिक्ट कर दी गई है। मैं प्रक्रियाओं में हूँ क्योंकि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कमिटी होती जो प्रॉपर प्रक्रिया होनी चाहिए, जैसे ही वो लड़की ने, क्योंकि वो डरी हुई होगी, उसने अपने एडिटर को बताया या जिसको भी उसने बताया, उस शख्स को ये मामले को, उस लड़की को काउंसलिंग करना चाहिए था, उसको बताना था कि ये आपके चयन है, ये चॉइसेस आपके सामने है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि शोमा भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, उनको भी सजा बिल्कुल देनी चाहिए। मैं कह रही हूँ, नहीं मैं सजा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ब्रेक डाउन ऑफ सिस्टम है जब हमारी प्रक्रियाएं सही से नहीं चलती। कमेटी में कमेटी इसको डिले कर देती पनिशमेंट, कमेटी नहीं, मैं कह रही हूँ आप किसी चीज को छुपाने की और ढकने की कोशिश कर रहे हैं। आप वो महिलावादी हैं जो अभी कुछ दिन पहले 16 दिसंबर की घटनाओं पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है। ये दो गलत बातें एक बात को सही साबित नहीं करता। आई एम सॉरी, आई टेक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू सम ऑफ द थिंग्स दैट आर बीइंग सेड।